हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे एलजी का ये पुराना मॉडल किट सीआरटी का है। इस मॉडल का किट आप देख सकते हैं MC019D 6870 VM0700C H.Arya 070409G। ये अगर मॉडल का PCB है, इसमें और एक लिखा होता है Pang-Pang, ठीक है। तो इसका अगर किट का अगर आपको डिटेल्स जानना है तो इसका जो STR है, ठीक है, ये W6554A का STR है और वर्टिकल IC 4863 और इसका EST जो है वो 6002K, ठीक है। इसका जो ABL सर्किट में कंपोनेंट्स लगा है, मतलब मान लीजिए आपका कुछ कंपोनेंट्स बर्न हो गया है, जैसे यहाँ पे, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस वगैरह बर्न हो गया है और यहाँ पे जेनर भी लगा है, कुछ ऐसे हाफ वाट के रेजिस्टेंस भी लगे हैं, तो इसका वैल्यू मैं आपको आज बताऊंगा। तो बने रहिए वीडियो पे, मैं आपको इसके डाटा शीट विथ इसके PCB में ही बताऊंगा। तो सबसे पहले PCB में चलते हैं, ठीक है। तो ABL का सर्किट यहाँ पे बहुत ही ईजी सर्किट है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें EST का ABL पिन देखना है, जो कि है यहाँ पे E17 आपका ABL पिन है, ठीक है। तो ABL पिन को एक्टिवेट करने के लिए, यानी कि हाई रखने के लिए, सबसे पहले 110 वोल्ट यानी कि B प्लस से दो रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हैं, एक है आपका 56K और दूसरा है आपका 22K, ठीक है। तो यहाँ से B+ से सप्लाई आया, यहाँ पे करंट कंट्रोल किया गया, उसके बाद यहाँ पे एक जिनर दिया गया है। ये जिनर का वैल्यू 6.2 वोल्ट है, ठीक है, 6.2 वोल्ट का जिनर है। यहाँ से ये 6 वोल्ट 2 वोल्ट कांस्टेंट हो गया। उसके बाद यहाँ पे एक फ्यूजिबल रजिस्टर दिया गया है, ठीक है, क्योंकि ये जो सप्लाई है ये बोथ IC में जाता है और ABL सर्किट में भी जाता है। तो यहाँ पे फ्यूज के बाद यहाँ पे एक डायोड लगा हुआ है, ये एक नॉर्मल डायोड है, यहाँ पे कभी कभी जंपर भी लगाया जाए। तो देखते हैं इस सर्किट में क्या है। तो इस सर्किट में यहाँ पे एक डायोड दिया गया है 4148 जैसा, ठीक है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं डायोड, ठीक है। यहाँ पे रिवर्स करंट को, मतलब रिवर्स करंट ना कंडक्ट करे, इसलिए यहाँ पे डायोड दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिया गया है R440, ये 1K का रेजिस्टेंस है। उसके बाद ये इसका PF है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ABL सर्किट में गया है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका मतलब प्रैक्टिकल सर्किटरी। अब मैं बताऊँगा इसका जो डेटा शीट है उसमें क्या दिया गया है, ठीक है। तो चलिए डेटा शीट की तरफ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमारे पास LG का सेम मॉडल का एक PCB है, ठीक है। और ये देखिए, इसका फ्लाईबैक सेक्शन है, ठीक है, ये इसका फ्लाईबैक ट्रांसफार्मर है। यहाँ पे देखिए, तो हमें ज़रूरत है ABL पिन का, ठीक है। तो यहाँ पे 8 नंबर पिन ABL है, ठीक है। तो 8 नंबर पिन सबसे पहले कैपेसिटर देके ग्राउंड किया गया है, उसके बाद 1K रजिस्टर देके, यहाँ पे 1K रजिस्टर, उसके बाद यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 1K रजिस्टेंस दिया गया है, जो कि जंपर है और वायर है, जो भी आप कह सकते हैं। तो एक फ्यूजिबल रजिस्टर है, तो फ्यूजिबल रजिस्टर देके यहाँ पे, उसके बाद पुल अप करने के लिए मैंने जो रेजिस्टेंस दो कहे थे, एक 56K दूसरा 22K, ये दोनों सीरीज में लगे हैं, ठीक है। ये सीरीज में लग के यहाँ पे 6.2 वोल्ट तक इसको फिक्स रखते हैं, यहाँ पे 6.2 का जनरल लगा है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो जंपर का दूसरा पिन मैंने कहा था, एक तो जाता है हमारा EST की तरफ, दूसरा जाता है हमारा, देख सकते हैं ये लाइन को आप फॉलो कीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे IC का ABL पिन के पास जा रहा है, ठीक है, ये माइक्रोकंट्रोलर का ABL पिन के पास जा रहा है। तो उसमें बाकी कुछ सर्किटरी नहीं दिया गया है, ठीक है। तो ये है आपका ABL का टोटल सर्किटरी। तो
कैसा लगा वीडियो। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।